बॉलीवुड इंडस्ट्री में मीडिया को रिया चक्रवर्ती का शिकार करते हुए, खबरों का शिकार ना करते हुए देखकर सोनम से लेकर जोया अख्तर से लेकर अनुराग कश्यप से लेकर 2500 लोगों ने और 60 अलग तरह के संगठनों ने मीडिया के खिलाफ एक ओपन लेटर लिखा है। उस लेटर के जरिए सलमान और संजय दत्त का भी नाम सामने लाया गया है। वल सलमान खान को लेकर लिखा गया, सलमान को तो क्लीन चिट मिल गई थी, मीडिया वालों ने तब तो कुछ नहीं कहा था और आगे सब जानते हैं। जी हाँ, पत्र में बताया गया कि कैसे सब जानते हैं कि अलग हो सकते हैं आप भी, क्योंकि सलमान खान को बहुत ज़्यादा ट्रीट नहीं किया गया था इस तरह से मीडिया ट्रायल के अंदर, मीडिया ट्रायल का चपेट लाते हुए नहीं देखा गया था। मीडिया ट्रायल का शिकार नहीं हुए थे सलमान खान, जब उनके खिलाफ दो दो अलग तरह के केस चल रहे थे। शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन सलमान खान के खिलाफ जब ब्लैकबर्ग केस चल रहे थे तब भी उन्हें मीडिया वालों ने इस तरह ट्रॉल नहीं किया जिस तरह से रिया चक्रवर्ती को ट्रॉल किया जा रहा है, और मीडिया वालों ने विच हंट शुरू कर दिया। मीडिया ट्रायल में उन्हें बिना कोर्ट में गुनहगार साबित हुए ही गुनहगार साबित किया गया, गुनहगार की तरह ट्रीट किया गया। यहाँ तक कि सलमान खान को लेकर उस खत में लिखा गया, सब जानते हैं कि सब लोग अलग होते हैं, एक युवा महिला की बात आती है जब भी तो कोई भी अपराध साबित नहीं होता, इससे पहले ही उनकी इमेज को पूरी तरह से बर्बाद किया जाता है। इसका एग्जाम्पल इस वक्त सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती है। उन्हें और उनके परिवार को नीचा दिखाने के लिए ऑनलाइन जिस तरह से ट्रोल किया गया, उन्हें जिस तरह से विच हंट शुरू किया गया है और ऑनलाइन विच हंट को भड़काया गया, गलत मांगों की हवा दी गई, वो वाकई में अपनी जीत को जश्न बना रहे हैं रिया को जेल भेजकर। लेकिन क्या सुशांत को न्याय मिल पाई? कौन सी जीत है इसमें? क्या सुशांत सिंह राजपूत की सच्चाई सामने आ पाई? एक कहानी बनाने के जुनून के सवार होने के बाद मीडिया वाले एक रिया चक्रवर्ती को बिना जाने, बिना उनके सबूतों को इकट्ठा किए, बिना किसी पुख्ता सबूत के सिर्फ और सिर्फ फैसले कर लिए खुद ही कि बिना शादी के अपने प्रेमी के साथ रहती है। खुद को संकट में काम करने वाले की तरह अभिनय करने के बजाय खुद के लिए बोलती है। एक नैतिक रूप में संदिग्ध उनके चरित्र को लेकर बात हुई, किसी भी कीमत पर बिना जाँच के, कानून की प्रक्रिया के बिना और अपने अधिकारों के सम्मान के लिए एक अपराधी माना जाता है। यहाँ पर मीडिया का ये रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया बॉलीवुड के सितारों को। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम से तृप्ति रिपोर्ट।